IPL 2018 में सोमवार को हुए 30वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 13 रन से हरा दिया। इस मैच में चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी ने शानदार बैटिंग करते हुए फेफटी लगाई, साथ ही चौथे विकेट के लिए अंबाती रायुडू के साथ मिलकर 79 रन की पार्टनरशिप भी की। मैच में धोनी को चीयर करने के लिए उनकी वाइफ साक्षी भी पहुंची थीं। मैच के दौरान जब रायुडू और धोनी बैटिंग कर रहे थे तब एक मोमेंट पर ऐसा कुछ हुआ कि साक्षी समेत सभी फैंस शॉक्ड रह गए और उनका शॉकिंग मोमेंट कैमरे में कैद हो गया। मैच के दौरान यह मोमेंट 19 ओवर की अगली बॉल पर नजर आया, जब क्रीज पर धोनी 49 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे और नॉन स्ट्राइकर रन पर अंबाती रायुडू खड़े हुए थे। ट्रेंट बोल्ट की इस बॉल पर धोनी ने शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल उनके बैट से लगकर विकेट के पीछे कीपिंग कर रहे ऋषभ पंत की ओर गई। हालांकि डाइव लगाने के बाद भी वे कैच नहीं ले सके। इस दौरान धोनी तो रन लेने के लिए नहीं दौड़े, लेकिन रायुडू बिना देखे रन दौड़ने लगे। उधर कैच ड्रॉप करने के बाद पंत ने बॉल को उठाकर बोल्ट की ओर फेंका। तब तक नॉन स्ट्राइकर रन पर खड़े रायुडू रन दौड़ते हुए बैटिंग क्रीज पर पहुंच चुके थे। इसके बाद बोल्ट ने तुरंत बॉल को नॉन स्ट्राइकर रन पर लगे स्टंप पर मार्च दिया और रायुडू की इनिंग का दर्शन हो गया। रायुडू जब बिना देखे दौड़ते हुए धोनी के साथ बैटिंग क्रीज में पहुंच गए थे, तब स्टेडियम में बैठकर मैच देख रही धोनी की वाइफ साक्षी बिल्कुल हैरान रह गईं और उन्होंने शॉकिंग रिएक्शन दिया।